नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। हमारे घरों के अंदर जो 3 पिन लगे होते हैं, खास तौर पे जो पावर वाले होते हैं, जिनमें हमारे 1000 वोट से 2000 वोट तक या 3000 वोट तक का लोड होता है, जैसे मशीन रोड हुई, हीटर हुआ, सर्दियों में यूज़ होने वाले हीट कन्वर्टर हुए, तो उनमें क्या होता है कि हमारे जो 3 पिन टॉप होते हैं वो जल जाते हैं। तो हम क्या सावधानी बरतें हैं कि उससे आपका 3 पिन टॉप जल्दी ख़राब ना हो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो भी जैसे ये दोनों नीचे वाले छोटे वाले जो न्यूट्रल और फेस वाले जो पिन्स होती है, आप देखेंगे इनमें से सिर्फ एक पिन ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमें महीने में एक बार एक पिनों को आपस में चेंज कर लेना चाहिए। जैसे आपको लगे कि सिर्फ एक पिन जैसे ज़्यादा ख़राब हो रही है, काली हो रही है, लूज़ हो रही है, या तो आप उसे टाइट कर लीजिए या फिर एक इधर का खोल के उधर लगा लीजिए, मतलब कि आपस में चेंज कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया है, जो L जिस पर लिखा हुआ है उसको N पे लगा दिया, N लिखा हुआ है उसको L पे लगा दिया। और दोस्तों इसको आराम से अच्छी तरह टाइट कर लीजिए, क्योंकि जब ये लूज रहते हैं तभी स्पार्क करते हैं, स्पार्क होके गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद ये वायरिंग ख़राब कर देते हैं। और दूसरी चीज, हमें ये बार बार चेक करते रहना चाहिए। अपना 3 पिन टॉप खोलिए और उसके अंदर जो हमारी जो वायर कसने वाले टर्मिनल होते हैं उनको टाइट में, जो हमारे पास ये 1000 वोट की प्रेस है, कई बार हम इसमें मल्टीप्लग यूज़ करते हैं। मल्टीप्लग दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का होता है, जिसमें ये देखिए जिसमें 2-3 पिनें लग जाती है, हम इसमें यूज़ करते हैं, ऊपर चार्जर लगा दिया, नीचे और कुछ लगा दिया, तो ये कम से कम यूज़ करना है, शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करना है। ये हमेशा इसको लगा के रखें ये गलत होता है दोस्तों, इससे स्पार्क होता है।